मॉर्निंग क्लास सिक्स बेटा, ये आपका थर्ड लेक्चर है, चैप्टर नंबर 12 का पेज नंबर 124 पर। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ वेरी थिन एंड फाइन क्वालिटी ग्लास विच इज फिक्स्ड ऑन द मेटल बेस। देयर इज अ वेरी थिन वायर इनसाइड द बल्ब। दिस वायर विच इज मेड ऑफ टंगस्टन इज कॉल्ड फिलामेंट ऑफ द बल्ब। बेटा देखिए, जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब होता है ये बहुत ही पतले ग्लास से मिलकर बनता है, जिसका बेस कैसा होता है, मेटेलिक, और इसके अंदर प्रेजेंट होता है एक बहुत ही थिन वायर। जो थिन वायर होता है ये एक मेटल होता है हमारा टंगस्टन, उससे मिलकर बनता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंट। ठीक है, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी दिस फिलामेंट हीट्स अप एंड ग्लोज टू गिव लाइट। द प्रॉपर्टी ऑफ टंगस्टन इंश्योर दैट व्हेन फिलामेंट गेट्स वाइट हॉट इट डज नॉट मेल्ट। बेटा देखिए क्या होता है कि जब बल्ब से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है मीन्स वायर से, तो ये जो टंगस्टन है ये हीट होता है, और हीट होने पर ये लाइट ग्लो करता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है टंगस्टन की कि अगर वो हीट होगा तो वो मेल्ट नहीं होगा, बट मीन्स कि इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी हाई होता है, तो वो ईजिली मेल्ट नहीं होता है। दिस टंगस्टन वायर इज ट्विस्टेड टू फॉर्म अ टाइट कॉइल। एज दिस वायर इज थिन लॉन्ग एंड हैवी इट इज सपोर्टेड ऑन टू थिक एंड स्ट्रॉन्ग वायर्स कॉल्ड सपोर्टिंग वायर्स। अब बेटा देखो, तो टंगस्टन का ये फिलामेंट हम कैसे बनाते हैं, टंगस्टन वायर को ऐसे ट्विस्ट कर देते हैं राउंड राउंड करके, और उसे कॉयल टाइप में, कॉयल मतलब जैसे आपने किसी के ऊपर वायर्स को ऐसे राउंड राउंड लपेट दिया, दैट इज़ कॉल्ड कॉयल। ठीक है, अब क्योंकि ये काफ़ी थिन होता है तो इसके दो सपोर्टिंग वायर्स रहते हैं जो थोड़े से थिक होते हैं, जो इसको सपोर्ट देते हैं। वन ऑफ दीज थिक वायर्स इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ द बेस। और बेटा इन दोनों में से एक जो वायर होता है वो मेटल टिप जो यहाँ सेंटर होता है मेटल टिप का, वहाँ पर कनेक्ट रहता है। दिस फॉर्म्स द टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब, और जिससे कि बल्ब के दो टर्मिनल्स फॉर्म होते हैं। दीज टर्मिनल्स डू नॉट टच ईच अदर एज द स्पेस बिटवीन दैम इज फिल्ड विद सीलिंग वैक्स। और ये जो दो टर्मिनल्स होते हैं ये एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, क्योंकि इन टर्मिनल्स के बीच में क्या फिक्स रहता है, सीलिंग वैक्स, तो स्पेस उसका स्पेस रहता है, तो वो एक दूसरे को टच नहीं कर पाते हैं। नाउ टेक अ लुक एट द पिक्चर अलॉन्ग साइड, यू विल नोटिस दैट द फिलामेंट इज ब्रोकन। विल दिस बल्ब ग्लो? नो, बिकॉज द पाथ ऑफ द करेंट टू फ्लो इज नॉट कम्प्लीट, दैट इज द बल्ब हैज ब्लोन अ फ्यूज, नॉट ओनली एन इंटेक्ट फिलामेंट हीट्स अप टू प्रोवाइड लाइट। देखिए बेटा, इस पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो जो ये फिलामेंट है ये ब्रेक हो चुका है, तो क्या अब इसमें से करेंट पास होगा? नहीं, जब करेंट पास नहीं होगा तो उसमें से बल्ब भी ग्लो नहीं कर पाएगा। ठीक है, और इस कंडीशन में बल्ब को हम क्या बोलेंगे, फ्यूज। इलेक्ट्रिक कनेक्शन, यू नो दैट द बल्ब लाइट्स अप ओनली वेन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल आर कनेक्टेड टू द टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब। बेटा आप ये जानते हैं कि कोई भी बल्ब लाइट अप तभी होगा जब बल्ब के टर्मिनल सेल के टर्मिनल से कनेक्टेड होंगे। दीज कनेक्शंस प्रोवाइड अ कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द सेल थ्रू वायर्स एंड द बल्ब बैक टू द अदर टर्मिनल ऑफ द सेल। और इसी कनेक्शन से इलेक्ट्रिक करंट को एक प्रॉपर पाथ मिलता है, जिससे कि वो सेल के एक टर्मिनल से फ्लो होता है वायर के थ्रू, देन बल्ब के थ्रू, एंड देन सेल के दूसरे टर्मिनल तक जाता है। ठीक है, तो इसी पूरे कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक कनेक्शन। आपका लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। अभी पेज नंबर 125 पे जो आपको क्विक रिस्पांस क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये आपको आपके होमवर्क में करने हैं। ओके, थैंक यू क्लास।